हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और फ्रेंड्स, सिप्ला का रिज़ल्ट आया है और इंडसइंड बैंक है जो उसका रिज़ल्ट आया है। दोनों शेयरों के अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और DHFL में जो गिरावट देखी गई है, लगभग 18% गिरावट देखी गई थी और कुछ रिकवर हुआ है, उसकी बात करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। और सिप्ला में लगभग 33% अप रहा है, लगभग 357 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। पिछला जो क्वार्टर में था 153 करोड़ का था फ्रेंड्स, और 6000 करोड़ भी ये राइज करेंगे सिप्ला। मेडिकल की कंपनी है, फार्मा की कंपनी है फ्रेंड्स। अगर जिन्होंने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए कुछ ये है कि लगभग 3 रुपये का डिविडेंड भी दिया गया है। इनकम भी इंक्रीज रहा है, 19% लगभग इंक्रीज रहा है, 4403 करोड़ का। पिछला जो 3697, काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है और मेडिसिन काफ़ी यूज़ भी करते हैं हम लोग। बट ये है कि शेयर फ्रेंड्स, अगर नीचे की तरफ आपको किसी गिरावट या कोई दवा का अप्रूवल नहीं मिलता है या किसी तरह का न्यूज़ आता है, तभी इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी जो लोग का फेवरेट है तो आप उस शेयर उस तरह से कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट आया है इस क्वार्टर में फ्रेंड्स, अगर गिरावट पे अगर शेयर मिले तो इसको देखने की कोशिश करें। इंडसइंड बैंक है फ्रेंड्स, लगभग प्रॉफिट में फॉल आया है 62% का, 360 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ है। उस सारे बैंकों में इनकम में इंक्रीज रहा है, लगभग 2067 करोड़ का इनकम रहा है और 1769 पिछला था, तो उसके हिसाब से इनकम अच्छा आया है। और इसमें जो लॉस हुआ है फ्रेंड्स, उसमें प्रोविज़न लगभग 1561 करोड़ का रहा है फ्रेंड प्रोविज़न। जैसे कि हर बैंक में आप देख रहे हैं कि प्रोविज़न ज़्यादा किया गया है, उसकी वजह से लॉस दिखाया जा रहा है बैंकों में। और पिछला जो 606 था, इसकी बार 561 करोड़ का रहा है। इसमें भी डिविडेंड दिया गया है, 7.5 रुपये का डिविडेंड है फ्रेंड्स। और इसमें हम जो लिए हुए हैं तो उनको डिविडेंड मिलेगा। तो सिप्ला और इंडसइंड बैंक का रिजल्ट था फ्रेंड्स। और डीएचएफएल में काफ़ी मुसीबतें आ रही हैं फ्रेंड्स। अभी एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें ये अपना जो लोन होता है, होलसेल वाला लोन होता है रियल एस्टेट को, उसको सेल कर रहे थे। लगभग 18000 करोड़ US की कंपनी थी ओक्ट्री, मैंने एक फाइनेंशियल कंपनी है US की, वो लेना चाह रही थी, उसके साथ डील है फ्रेंड्स। और अभी जो न्यूज़ है इसमें ये है कि जो NHBC के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से इनको रेटिंग का जो घटाई गई थी, अभी विड्रॉल और डिपॉजिट लेने के लिए मना किया गया है, टेम्परेली है फ्रेंड्स। ये स्टॉक में गिरावट देखा गया है, इसकी वजह से अब जो इस शेयर को फ्रेंड्स अभी कुछ दिन के लिए अगर आप अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि इसमें इस तरह की न्यूज़ आ रही है और लगभग 8400 करोड़ को नेक्स्ट 8 वीक में भी चुकाना है फ्रेंड्स। अब अगर ये अब देखिए, अब कोई भी कंपनी जो है मार्केट से पैसा लेने के लिए मना नहीं करती, बट नॉर्म्स हैं इसके वजह से मना किया गया है। तो बाज़ार में तमाम तरह की न्यूमर्स होती हैं कि कंपनी ने मना कर दिया, तो बैड न्यूज़ भी आ रही हैं, अच्छी न्यूज़ भी आ रही हैं DHFL में। आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर ये जिस तरह से 8400 करोड़ को अगर ये अगर वहाँ डील हो जाती है और फिर उसको अपना पेमेंट कर देते हैं और जिस तरह डेप्ट है उसको पेमेंट करते हैं, तो आपको फिर DHFL ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं DHFL का, स्पेशली आज का जो अपडेट है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ इसमें अपडेट आते रहता है। अभी तो ये अपडेट था कि जो गिरावट देखी गई है उसमें इन्होंने डिपॉजिट्स और विड्रॉल के लिए मना किया गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये अपने एसेट्स जो लोन, कोई एसेट्स तो है नहीं, लोन जो दिया गया है उनको पहले ही बेच के अपना डेप्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं DHFL के प्रमोटर्स। तो ये एक कंसर्न अभी फिर से DHFL में आ गया फ्रेंड। और फ्रेंड्स, DHFL ने ये भी कहा कि रेगुलरली 2018 से वो पेमेंट कर रहे हैं, बट जिस तरह से रेटिंग एजेंसी ने इनको डाउनग्रेड किया है, BB कर दिया फ्रेंड, तो उसमें कंसर्न बना हुआ है इन लोगों के लिए कि अब डाउनग्रेड इसलिए कर दिया है क्योंकि पेमेंट इनको करना है, ढेर सारा इश्यूज हैं
और सारे इश्यूज हैं डीएचएफएल में फिलहाल, अभी टाइम लग सकता है इसको। अभी जिस तरह से स्टॉक 110 115 170 के बीच जा रहा था, अब कोई अच्छी न्यूज आती है तभी आप ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। अभी रिसेंटली दो दिन के अंदर अच्छा ऊपर की तरफ गया था डीएचएफएल, बट अभी फिर नीचे की तरफ है। तो ये कुछ फ्रेंड्स, फिर कोई न्यूज आती है तो फिर अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, और फिर इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो ले आएंगे, और लाइक जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।